खबर गाजीपुर से, जहां ज्योतिपीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पहुंचे गाजीपुर। गोरखपुर से काशी जा रहे थे शंकराचार्य। लंका पेट्रोल पंप के पास किया गया भव्य स्वागत। शंकराचार्य ने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए समर्थन के लिए यात्रा कर रहे हैं। सनातन धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाय है। ज्ञानवापी का मामला अदालत में लंबित है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और वहां पूजा पाठ शुरू हो। अयोध्या में राम आ गए और उसका फल होना चाहिए कि गौ हत्या बंद हो, तभी कृष्णा को अभी लाने का चाव लोगों में होगा। गौ हत्या होती रहेगी तो राम और कृष्ण के आने का क्या मतलब? गौ हत्या बंद हो तो हमें समझे कि देवी शक्तियों का जागरण हो रहा है। वही हिंदू हो या जी किसी कार्य को करने से पहले सोचे कि क्या गलत है और क्या सही। लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप विचार कीजिए कि आपके वोट से जो सरकार बनेगी, यदि वह गौ हत्या करेगी तो आप पर भी गौ हत्या का पाप लगेगा। ये अभी हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए और उनको सरकारों की पशु सूची से हटाकर राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन के लिए यात्रा कर रहे हैं। गोरखपुर गायों की रक्षा के लिए कोई केंद्र किसी समय का था, वहां जा करके वहां पर गोरखपीठ में गोरखनाथ जी महाराज से गौ रक्षा के लिए बल प्राप्त करके अब हम काशी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी गाजीपुर के लंका में आप आना हुआ। गोरखपीठ से ही इस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसमें उनका कुछ आश्वासन, कुछ सहयोग मिल रहा है महाराज? देखिए, जो भी सनातन धर्मी है, हिंदू है, उसके लिए अगर धार्मिक दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण है तो सबसे महत्वपूर्ण गाय है। जो भी सनातन धर्मी होगा, हिंदू होगा, वो गाय के बारे में नहीं खड़ा होगा ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, बात हुई कुछ उनसे? आश्वासन नहीं, वो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम तो गोरखपीठ गए थे, गोरखनाथ जी महाराज से हमारी मुलाकात हुई, उनका दर्शन हुआ, उनका पूजन किया, उनसे बल प्राप्त हुआ। वही मूल है। ज्ञानवापी पे आपने एक आंदोलन किया था महाराज, उसके लिए क्या योजना है आगामी? वो हमारा मुकदमा न्यायालय में लंबित है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो और वहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो। महाराज, अयोध्या हो गया, मथुरा के लिए क्या योजना है? देखिए, अयोध्या हो गया, इसका फल क्या हुआ? यही हमारा कहना है कि अगर अयोध्या हो गया है और वहाँ राम आ गए हैं तो राम के आने का फल होना चाहिए। राम के आने का फल अगर ये होगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी तो कृष्ण उनको लाने का भी चाव लोगों के मन में उत्पन्न होगा। अन्यथा राम आते रहे, कृष्ण आते रहे, अगर गौ हत्या होती ही रहेगी तो राम के और कृष्ण के आने का क्या मतलब है? इसलिए अगर राम आ गए हैं तो राम के आने के बाद, कम से कम राम के आने के बाद इस देश में गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए। अगर गौ हत्या बंद हो जाएगी तो हमारा जो पराक्रम है, बल है, आत्मबल है, वो बढ़ेगा और कृष्ण भी आएंगे, शिव भी आएंगे, सब आएंगे। लेकिन राम के आने का फल अभी तक नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। क्या लगता है, राम मंदिर बन गया लेकिन राम आए कि नहीं? देखिए, गौ हत्या बंद हो तो हम समझे कि दैवी शक्तियों का जागरण हो रहा है, उसके पहले तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते। आम जनमानस से हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदू वो है जो किसी भी कार्य को करने के पहले इस बात का विचार करता है कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उससे पाप होगा कि पुण्य होगा। तो आप वोट देने वाले हो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अभी आने वाला है, आप अपना वोट का प्रयोग करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे, मतदान करेंगे। ये विचार कर लीजिए कि आपके दिए गए वोट से जो सरकार बनती है अगर वो गौ हत्या करती है तो आपको भी गौ हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि गौ हत्यारे का समर्थन करने वाले को भी गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए इस बार का मताधिकार का प्रयोग अगर सच्चा हिंदू है तो उसको इस विचार के साथ करना है कि हम उसी पार्टी को, उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो चुनाव के पहले शपथ पूर्वक घोषणा कर दे कि अगर मैं जीत करके संसद में गया तो मेरा पहला काम होगा गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का और गौ हत्या को अपराध घोषित कराने का। उसको तो वोट देने से गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा, और अगर ऐसा न कह पाने वाले दल को या व्यक्ति को अगर वोट दिया हिंदू ने तो उसको गौ हत्या का पाप लगेगा।